केंद्रीय बजट 2023-24 1 फरवरी 2023 को पेश किया गया। केंद्रीय बजट 2023 के अनुसार चालू वित्त वर्ष भारत की आर्थिक विकास दर 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। कुल बजट 4503.097 करोड़ का बजट। राजस्व प्राप्तियां 26,32,281 करोड़। पूंजीगत प्राप्तियां 1,870.86 करोड़। राजस्व खर्च 35,02,136 करोड़। पूंजीगत खर्च 10,00,961 करोड़। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9%। राजस्व घाटा जीडीपी का 2.9%। प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 1.7%। प्राथमिक घाटा जीडीपी का 2.3%। 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% रखने का लक्ष्य रखा गया है। राज्यों को जीएसडीपी के 3.5% की राजकोषीय घाटा की अनुमति दी गई है। बजट 2023-24 में 7 प्राथमिक है जो सप्तर्षि की भांति कार्य करता है। समावेशी विकास, अंतिम व्यक्तियों तक पहुंच, अवसंरचना एवं निवेश, स्व सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र। 157 नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना। 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन। 500 ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत। जनजातीय समूह PVTG में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन शुरू किया गया। 740 एकल मॉडल आवासीय स्कूलों की स्थापना। भारत साझा पुरालेख निधान भारत श्री 1,00,000 प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण। ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए iCOT कर्मयोगी योजना की शुरुआत। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 3 उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना। MSME के संविधान निष्पादन को सरल बनाने के लिए विवाद से विश्वास 1 लाया गया। सरकारी उपक्रमों के संविदागत विवादों के निपटान के लिए विवाद से विश्वास 2 लाया गया। मिंगरे पौधारोपण के लिए मिष्टी योजना की शुरुआत। अमृत धरोहर योजना के लिए आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत सीमावर्ती गांव में पर्यटन की शुरुआत। हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए यूनिटी मॉल स्थापित किया जाएगा। लगने वाले कर 0 से 3 लाख 0, 3 से 6 लाख 5%, 6 से 9 लाख 10%, 9 से 12 लाख 15%, 12 से 15 लाख 20%, 15 लाख रुपये से ऊपर 30% कर की दर से वसूल की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटित राशि 79,590 करोड़। जल जीवन मिशन के लिए 70,000 करोड़। मनरेगा के लिए 60,000 करोड़। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए 60,000 करोड़ रुपये की आवंटन की गई है। कालाजार 23, उर्वरक 23, ब्रॉडगेज रूटों को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य 2023। कृषि में 0 डीजल उपयोग 24, सबके लिए आवास मुहैया 2024, डिजिटल रेडियो 24, हर घर नल से जल 2024, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2024-25, 1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी 2025, सभी गांव ऑप्टिकल फाइबर 2025, TV 25, पेट्रोल में एथेनॉल 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025, 100, 500, 280 2030, मलेरिया उन्मूलन 30, HIV/AIDS 30, भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन 2030, ऊर्जा स्वतंत्र 47, मुंबई शहर में 0 कार्बन उत्सर्जन 2050, भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य 2070। जनवरी 2023 को आर्थिक समीक्षा संसद में पेश किया गया।
मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वर के मार्गदर्शन में आर्थिक समीक्षा पेश किया गया। आर्थिक समीक्षा पहली बार 1950-51 में पेश किया गया था। 2022-23 का पहला अग्रिम अनुमान जीडीपी में वृद्धि 7%, राजकोषीय घाटा 6.4%, 2023-24 अनुमानित जीडीपी में वृद्धि 6 से 6.8% की वृद्धि। कृषि और सेवा, कृषि और संबंध क्षेत्र में 2022-23 में वृद्धि 3.5%, औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि 4.1%, सेवा क्षेत्र में 9.1% की वृद्धि दर्ज की गई। भारत दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान, अंडा उत्पादन में तीसरा स्थान, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में तीसरा स्थान, सेवा निर्यात में 7वां स्थान, मांस उत्पादन में 8वां स्थान। आर्थिक समीक्षा 2022-23 कुल 12 अध्यायों में बांट कर किया गया। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 6.9%, IMF के अनुसार 6.8%, RBI के अनुसार 6.8% और OECD के अनुसार 6.6% विकास दर रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। 41.5 करोड़ लोग को गरीबी से उबारा गया। 2023-27 तक 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा और संगठित कामगारों के लिए ई श्रम पोर्टल विकसित किया गया। भारत में कार्बन स्टॉक लगभग 7,204 मिलियन टन है। 2022-23 के अनुसार भारत में खाद्यान्न उत्पादन 315.7 मिलियन टन है। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार 562.7 बिलियन अमेरिकन डॉलर है, अमेरिकी डॉलर है। भारतीय रेलवे विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। कुल प्रजनन दर 2.0, शिशु मृत्यु दर 35.2, नवजात मृत्यु दर 24.9, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का मृत्यु दर 41.9%, विश्व बैंक के अनुसार 2022 में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश भारत 100 बिलियन अमेरिकन डॉलर। भारत में टॉप निवेश करने वाले प्रथम देश सिंगापुर। भारत G20 की अध्यक्षता के तहत 100वीं बैठक वाराणसी में। G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता का कार्य समिति की पहली बैठक बेंगलुरु में। G20 के शेरपा की पहली बैठक उदयपुर राजस्थान में। अहमदनगर जिला का नाम अहिल्या बाई होलकर नगर, शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम कुबेम्पू हवाई अड्डा, औरंगाबाद शहर का नाम छत्रपति संभाजी नगर, उस्मानाबाद शहर धाराशिव, चर्च गेट रेलवे स्टेशन सिटी देशबुक रेलवे स्टेशन, राहुल केला हॉकी स्टेडियम, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, मुगल गार्डन, अमृत उद्यान, हैरिस पार्क, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, लिटिल इंडिया के नाम से अब जाना जाएगा।